कि कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। प्रभु रामचंद्र श्री श्री विष्णु के अंश, श्री विष्णु के अवतार, उनको तो यहां मनुष्य जन्म में आना, वनवास का पत्नी वियोग का कष्ट सहन करना, उसी पत्नी को दोबारा त्याग करना, अपने भाई को मृत्यु दंड की शिक्षा देना और राज्य वगैरह सब छोड़कर प्रजाजनों सहित सरयू प्रवेश करना, ये सब कष्ट सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी का भार उतारना होता तो वही अपने शेष सैया से थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो संपूर्ण राक्षस कुल वैसे ही भस्मसात हो जाता जैसे लंका में युद्ध के बाद हो गया। ये कोई उनके लिए कठिन बात नहीं थी, परंतु ये उन्होंने ही बनाई धरती का नियम है कि यहां इच्छा और उसकी पूर्ति, इसके बीच में पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और इसलिए जन्म लेकर उनको कर्म करना पड़ा। और मजे की बात यह है, हर बार उन्होंने जन्म लिया, हर किसी रूप में लिया, उनकी तो अपनी कोई कामना नहीं थी। ये विश्व तो उत्पन्न होता है, विलीन होता है, ये लीला लाखों बार वो देखते रहते हैं, उनसे इससे क्या लेना देना। लेकिन इस विश्व में हम लोग हैं, हमारे दुखों कष्टों का भार उतरना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो आए। और इसलिए वो जो कर्म उन्होंने किए हर अवतार में, वो अकेले नहीं किए, हम सबको आगे किया, हम सबने वो कर्म किए, हम सबने उसके लिए कष्ट सहन किए, हमको कई सुखों का त्याग करना पड़ा, हमको बलिदान होना पड़ा, तब हमारी मनोकामनाएं उसकी इच्छा से पूर्ण हुई। इसलिए बहुत सी इच्छाएं मन में आती है, लेकिन संतों ने जो समझाया है वो अपने मन में धारण कर चुका हूं मैं, होई जो सोई राम रचि राखा, वो तो होना है, उसमें तर्क क्या करना है। उसकी अगर इच्छा है, और संत जो अनंत श्री विभूषित है उनके मन में केवल उनकी इच्छा का प्रतिबिंब आता है, तो उसकी इच्छा तो पूर्ण होनी है, देर सबेर होना ही है। हमारा काम है हम पुरुषार्थ करें, हम कर्म करें।